अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब आप लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको गुलाब जामुन की रेसिपी दे रही हूँ। अभी भाई आज मेरी बेटी ने कुरान शरीफ ख़त्म मुकम्मल माशाल्लाह कर लिया, ख़त्म कर लिया उसकी खुशी में। तो भाई जब बच्चे कुछ करें और भी कुरान शरीफ ख़त्म करने बहुत ही सादत की बात है। और अल्लाह ताला मेरी बेटी को मानी से पढ़ना नसीब करे इंशाल्लाह। वो भी मैंने शुरू कर दी है, दुआ करें आप लोग भी। और मेरे तमाम तीनों बच्चों ने मेरे मेहरबानी से पढ़ा माशाल्लाह से। और उसकी खुशी मैंने आज ये गुलाब जामुन बना रही हूँ। देखिए मैं इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला है, ना इसमें ईस्ट डालूँगी, ना बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं। इसको मैं अच्छी तरह से सान लूँगी। देखिए मैं ये टॉप्स का इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन लिया है जो मैं घर पे बना रही हूँ। इस खुशाई में मिठाई मैं घर में कर रही हूँ, पार्टी बाद में इंशाल्लाह करूँगी। आप लोग दुआ करें, हर बच्चे या बच्चियाँ कुरान शरीफ पढ़ें और मानी से ज़रूर पढ़ाइए। बच्चे बच्चा हो या बेटी, दोनों को जब तक मानी से नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ में उनको नहीं आता है। इसलिए नाजरा पढ़ने से नहीं होता है। सबसे पहले बच्चों की उर्दू अच्छी करें, कुरान शरीफ पढ़ाएँ। उसके जब कुरान शरीफ और उर्दू साथ साथ पढ़ाएंगे फिर साथ में आप बच्चे मानी खुद पढ़ेंगे। जब मानी से थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद ही बच्चे इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी, बच्चे को मज़ा आएगा, समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर मेरी बात आप लोग को पसंद आई होगी। और पसंद आए तो लाइक और शेयर और दुआओं ज़रूर दीजिएगा। दुआओं का हर कोई मोहताज है। हम भी आप लोग के लिए दुआ करते हैं, आप लोग भी मुझे मेरी दुआओं में याद रखिए। जो भी जहाँ किसी को परेशानी ना हो, किसी को गम परेशानी ना आए। देखिए मैं इसको सान लूँगी अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसको गर्म पानी से नहीं सान रही हूँ, मैं नॉर्मल पानी से सान रही हूँ। देखिए मैं इधर इमाम बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको एक वो नहीं करना है, बस हाथ में चिपचिपावा हो जाए। एक चाशनी का नहीं बनाना है ना, बस चिपचिपाहट सी आ जाए इसमें। हाफ तार बोली उसकी चाशनी बस इतनी बनाऊँगी। देखिए मैं ऐसे सान करके मैं इसको गोल गोल जितना भी हाथ में थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लीजिए। इसको गोल गोल ऐसे बनाइए, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बनाइए, ज़्यादा ना बड़ा ना ज़्यादा छोटा। मैं इतना एक नींबू से छोटा छोटा बना रही हूँ। फिर हाथ में घी ज़रूर लगा लीजिए। फिर मेरा घी देखिए मैंने स्टव से बना लिया। और अब इसमें देखिए घी गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 400 ग्राम का मैं बना रही हूँ। देखते हैं कितना पीस तैयार होता है। अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कीजिएगा, ना तो ये चीनी में जाते ही इसका रंग चेंज हो जाता है। देखिए कितना फुला फुला कितना शानदार सा बन रहा। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया था तो कितना हेवी बड़ा बड़ा हो गया। अभी शीरा भी पिएगा तो और भी बड़ा होगा इंशाल्लाह।
कि हमारा कितना बड़ा बड़ा ये तल के, मतलब इतना हम डार्क रख रही हूँ। अब ये जाएगा क़ीमा में ना तो और इसका कलर हल्का हो जाएगा। इधर मेरा क़ीमा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में बनाएं, ज़्यादा कोशिश करें हर चीज़ घर में, लेकिन हाँ हर मिठाई तो इंसान घर में नहीं बना सकता, लेकिन गुलाब जामुन हो गया, रसमलाई वगैरह हो गया, ये सब तो घर में भी बन सकता है। आजकल के डेट में बाहर की चीज़ नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल बाहर के खाने से अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बार डाल दूँगी इसको भी ऐसे ही कर दूँ। हिला दूंगी, इसको मैं इस स्टेप से करूंगी, फिर नीचे कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये पी जाए। जैसे हिला दिया करें ताकि चूर्ण भी ना हो और अच्छी तरह ऊपर नीचे हो जाए। थोड़े से टिप्स इस्तेमाल करने से बहुत अच्छी मिठाई घर में बन जाती है। थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, लेकिन घर की चीज़ घर की चीज़ होती है। हमारा गुलाब जामुन तैयार। कितनी फास्ट, कितनी जल्दी इतना सारा बन गया है। और आप भी बनाएं, अपने घर वाले को खिलाएं, और बेटी अपने बच्चे के छोटी छोटी खुशियों में छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं और खुश हों। यही खुशी हम लोग की ज़िंदगी की खुशी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी आपसे। देखिए मैं आज आपको निहारी के रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बोंग के गोश्त से बनता है। देखिए बोंग का गोश्त है मेरा आधा किलो, आप जितना भी लें, लेकिन मेरा आधा किलो है। ये 500 ग्राम बोंग के गोश्त की निहारी बनती है, बहुत ही अच्छी होती है। ये दिल्ली की फेमस निहारी है। देखिए इसमें प्याज वाज ज़्यादा नहीं जाता है। देखिए तेल डाला, जो मैं बनाती हूँ आप मेरे स्टाइल से बनाइएगा तो इसमें ज़्यादा वो नहीं जाएगा। तेल डाल दिया और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं 2 मिनट भूनूंगी। अब इसमें ये हल्दी पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर, निहारी मसाला, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शान का, मैं अंदाज से डाल दे रही हूँ। आप 2 चम्मच भर भर के देखिए डाली गई, 2 चम्मच हो गया भर। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसमें जो फास्ट चीज जाएगा मेरा, ये जाएगा टमाटर, 3 अदद गोल गोल स्लाइस में काट के डाल दीजिए। यार आप छोटा छोटा चॉप भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइस में इसको डाला। अब इसको खूब अच्छी तरह मैं भून लूँगी। अच्छे से भून के इसको मैं इसका अब मैं इसमें ये दही और हरी मिर्च पीसा हुआ ये भी मिला दूंगी धीरे धीरे। इसमें
मैं अच्छी तरह भूनूंगी। मैं इस पर नमक डाल दूंगी और बस सब इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। हमारी नई निहारी दम बिल्कुल तैयार। देखिए इसका मसाला दम को अच्छे से हो गया। इसका रोगन ऊपर से थोड़ा निकाल लिया जो मैं ऊपर से डाल के उसको है वो करूँगी। अब देखिए इसमें जाएगा थोड़ा सा बेसन। इस चमची से मैंने लिया है 3 चमची। अब इसको मैं अच्छे से घोल के पानी में डाल दूँगी। और इधर मैं कर रही हूँ घी की बिरयानी। घी की पघार इसमें लगा दीजिएगा, नहीं लगाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब घी का पघार इसमें लग जाएगा तो इसमें बहुत ही मज़ा आ जाएगा। शानदार सी रेसिपी बिरयानी, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। उसमें घी की पघार लगाइएगा, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तब ये अच्छे से इसको मैं एकदम ये करके धीरे धीरे डालना है। एक बार मत डालिएगा, धीमा आँच पर डालिएगा। इसलिए धीरे से डाल दूंगी और जल्दी से चला दूंगी। या अगर मेहमान आ जाए तो जल्दी से बना लीजिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी। अब जितना इसको आपको पतला रखना है, जितना इसमें ग्रेवी रखना है, इसमें अब डाल देंगे हम पानी और हो जाएगी इसकी ग्रेवी तैयार। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे कि बेसन पक जाए। हो गया, अब इसमें घी से बघार डाल देंगे। धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नींबू निचोड़ के खा लीजिए। अब मैं ये जो घी की बिरयानी किया है उसमें डाल दूँगी। ये बिल्कुल पुराने दिल्ली स्टाइल वाले बन रहा है, वहाँ देसी घी का बघार लग के बनता है। अब इसमें खिला गया, अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती, देखिए थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और अदरक, और ये देखिए काट के रख दिया है। जिसको चाहिए हरी मिर्च है, अदरक है, नींबू है, जो खाएगा डाल के खा लेगा। मैं आपको डिश आउट करके देखिए हमारा पराठा बन रहा है। चाकोर चाकोर पराठा और निहारी और स्पेशल चावल, जो कि बिरयानी भी उसके आगे फेल है। मैं पराठा मतलब सिर्फ ऐसे बनाऊंगी, इसको तलूंगी नहीं। ये तवा गरम हो गया, मैं इसको डाल दूंगी। अब लो इधर देखो, देखिए अब अपनी निहारी में रोगन इसमें से निकाल लिया था, वो रोगन इसमें डाल दूंगी। देखिए देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, शानदार सा। थोड़ा सा धनिया पत्ती मैं डाल दूंगी। हमारा रात का खाना तैयार है, बाय बाय। जिसको पहले चावल खाना है नंबर तो आ